हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ब्लैक होल, स्पेस टाइम का एक क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे। ब्लैक होल के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ सुनी होगी, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर ब्लैक होल है क्या, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, और इसमें माइथोलॉजिकल यानी कि रहस्यमय चीज़ों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक क्षेत्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगे भी इससे बचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा रखने में सक्षम नहीं होती। आइंस्टीन के समय सापेक्षता के सिद्धांत का अनुमान है कि पर्याप्त रूप से सघन द्रव्यमान ब्लैक होल बनाने के लिए स्पेस टाइम को विकृत कर सकता है। बचने की सीमा को इवेंट क्षितिज कहा जा सकता है। ब्लैक होल का इसे पार करने वाले वाली वस्तु के भाग्य और परिस्थितियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामान्य सापेक्षता के अनुसार इसकी कोई स्थानीय रूप से पता लगाने योग्य विशेषता नहीं है। कई मायनों में बात करें तो एक ब्लैक होल का एक आदर्श ब्लैक बॉडी की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता। घुमावदार स्पेस टाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि इवेंट क्षितिज हॉकिंग विकिरण का उत्सर्जन करें। जिन वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रकाश से बचने के लिए बहुत मजबूत है, उन पर पहली बार 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल और पियरे साइमन लपलॉस ने विचार किया था। 1916 में कॉर्ल साजिल्ट ने समान सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान पाया, जो एक ब्लैक होल की विशेषता होगी। डेविड फिकलेस्टिन ने 1958 में पहली बार ब्लैक होल की व्याख्या अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में प्रकाशित की जहाँ कुछ भी बच नहीं सकता। ब्लैक होल को लंबे समय से गणितीय जिज्ञासा माना जाता था। 1960 के दशक तक यह नहीं था। सैद्धांतिक काम से पता चला कि वे समान सापेक्षता की एक समान भविष्यवाणी थे। 1967 में जोसेलिन बेल बर्नेल द्वारा न्यूट्रॉन सितारों की खोज ने संभावित खगोल भौतिकीय वास्तविकता के रूप में गुरुत्वाकर्षण को ढहने वाली कॉम्पैक्ट वस्तुओं में रुचि लगाई। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते। ब्लैक होल बनने के बाद यह अपने आसपास के द्रव्यमान को अवशोषित करके बढ़ सकता है। लाखों सौर द्रव्यमान के सुपर मैसिव ब्लैक होल मन तारों को अवशोषित करके और अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके या गैस बादलों के सीधे पतन के माध्यम से बने होते। इस बात पर आम सहमति है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रीय में सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान अन्य पदार्थों के साथ और विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश के साथ इसकी अंतःक्रिया के माध्यम से लगाया जा सकता। ब्लैक होल की ओर गिरने वाला कोई भी पदार्थ घर्षण द्वारा गर्म की गई बाहरी अभिवृद्धि डिस्क बना सकता है, जिससे क्वासर बनते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे चमकीले पिंडों में से कुछ है। सुपर मैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरने वाले तारों को निगलने से पहले बहुत चमकीले चमकने वाले स्ट्रीमर में विभाजित किया जा सकता है। यदि अन्य तारे ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं तो उनकी कक्षाओं का उपयोग ब्लैक होल के दरम्यान और स्थान को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे अवलोकनों का उपयोग न्यूट्रॉन सितारों जैसे संभावित विकल्पों को बाहर करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह खगोलविदों ने बाइनरी सिस्टम में कई तारकीय ब्लैक होल उम्मीदवारों की पहचान की और स्थापित किया कि मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र में सेजिट्रियस ए के रूप में जाने वाला पहला रेडियो स्रोत लगभग 4.3 मिलियन सौर द्रव्यमान का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो ये थी ब्लैक होल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।